हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। आज बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम था जो 27 मार्च का था, एग्ज़ाम था, तो पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। पता नहीं कैसे, लेकिन मार्केट में इसका क्वेश्चन वायरल हो रहा है, तो जो क्वेश्चन हमारे पास पहुंची है उसके आधार पर हम आप लोग का आंसर बता रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए और आंसर मिलाइए। 25-25 क्वेश्चन करके 4 सेट आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो कई आपका क्वेश्चन कैसे बाहर आया उसका हमको अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे आया है तो आप लोग के बीच हाजिर हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल को किस ग्रह के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा महाभियोग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, एल नीनो शब्द क्या है? तो एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, चौथा है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो उन्हें उच्च उपज किस्म वाले बीजों की उपलब्धता, सुविकसित सिंचाई प्रणाली, कृषि साख की उपलब्धता, सरकारी कृषि नीति। तो किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण है कि उन्हें सरकारी कृषि नीति मिल रही है, इसीलिए वो एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देख लिए, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, अधिकतम कोई आयु नहीं है, आप वीडियो में देख चुके हैं। के शिवान, तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष, ऑप्शन सी। अगला, के सिवान किसके अध्यक्ष थे? तो इसरो के अध्यक्ष है के सिवान। आगे है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो यह गंगा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, 3 4 करेंगे तो 3 9 16 25 5 5 2 10, इसकी भुजा कितनी होगी? तो इसकी भुजा होगी, एक सेकेंड आप लोग को बताते हैं, 3 4, तो इसकी भुजा होगी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए राइट होगा। कुछ नहीं करना है, विकर्ण है तो 3 का स्क्वायर, 6 है तो 3 का स्क्वायर, 8 है तो 4 का स्क्वायर, दोनों को करके जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, आप 25 का रूट वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, रैखिक संवेग में बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बल होगा। अगला है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है L into B, ऑप्शन डी होगा। आगे है, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो अभिधारणा, प्रमेय, परिभाषा और स्वयं सिद्धि। तो परिभाषा को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, परिभाषा को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन है, तो वो इनकी रचनाएं घनानंद की रचनाएं संस्कृत भाषा में है, ऑप्शन ए होगा। आगे है 16 नंबर, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कार्यशील पूंजी और मानव पूंजी दोनों कहा जाता है, सॉरी कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है, और हाथ में है तो मानव पूंजी स्थिर पूंजी भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या 8 सितंबर को मनाते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कैसे आया है उससे हमको कुछ ज़्यादा ऑथेंटिक पता नहीं है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे आया है तो आप लोग के बीच हाजिर हुए हैं। आगे है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है? तो मोटेरा का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो इसे लू के नाम से जाना जाता है। 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, आप लोग मिलाइए, अच्छा है। आगे है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? सबसे अधिक उत्पादन होता है इसका साधन है भारत में श्रम, श्रम साधन है। आगे बढ़ते, अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा? तो अग्नि का विशेषण शब्द होगा आग्नेय, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं,
देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी B.S. रमा देवी। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, इसको देख लीजिएगा, क्लियर नहीं है लेकिन B.S. रमा देवी होना चाहिए। आगे होगा, साम्यवाद सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रूसी साम्यवाद है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लुसेंट का क्वेश्चन है, रूस होगा। तो अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, x प्लस 1 बाई x बराबर 2 है, तो इसमें कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो मान पुट कीजिए एक, तो एक जोड़ एक दो होता है, तो एक एक के स्क्वायर एक जोड़ एक बटा एक के स्क्वायर एक, तो एक एक दो होगा, तो ऑप्शन ए राइट होगा। तो हमारा ये 25 क्वेश्चन का आंसर था, आप लोग मिलाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले 25 क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।